2000 years later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं, अभी सुबह के भी 6 बजे हुए हैं, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। देख सकते हो आप, कैप्चर हो जा 6:18। मेरा फोन गिर गया यार, नुकसान हो गया। सुबह का टाइम है, सुबह का नजारा बहुत ही अंधेरा होता है, काफी अंधेरा होता है। देख सकते हो आप, मैं लाइट को ऑन करने की कोशिश करता हूँ इसकी। लाइट भी कैमरे की ऑन नहीं हो रही है, आप देख सकते हो पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। अभी हमारी सुबह का टाइम है, अभी हमारी चाय की तैयारी हो रही है। सॉरी, इन्होंने भी चाय बना दी है, रखी हुई है, तो हम चाय पी के आपको मिलते हैं, ठीक है। देखो मेरी मम्मी बैठी, जो लल्ला आई गोश जो जगिया वहाँ का। बाय बाय करो, बाय 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 करो, यह बाय बाय करते हैं। पढ़ते नहीं, पढ़ाई को टाइम हुई गो। ओ जोरी, उठ उठ उठ, 8 बज गए। देखो अब हम सोती बात पीछे परी पढ़ाई के बहाने। देखो जो मैं ऊँ करती हेलो गाइस। तो देखो भैया, हमारे घर पढ़ाई कैसी हो, जब उठी क्लास निकल गई पूरी खत्म हुई गई, तो जो किताब लेके बैठी, अब कहती अब पढ़ी बताओ, अब बताओ इसकी पढ़ाई कैसे हुई, अब बताओ क्लास कब की आई गई। तो भैया आज हमारे घर भाई खिचड़ी तैयारी होती जी, खिचड़ी बनी, खिचड़ी खाए के फिर हम तुम्हें नहाए धोए के मिली आराम से। सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपके सामने आने में टाइम लग गया, और खाना वाना खा के हम जाएंगे अभी करीब दोपहर का 1 बजे। खाना खा के, खाना वाना खा के रेडी वोडी रेडी वोडी होके हम जाएंगे अभी वहाँ पीर बाबा के दरबार पे, वहाँ मत्था टेकेंगे और वहाँ से हम सारी डिशेस मांगेंगे यार, हमारे शरीर ग्रोथ हो जाए। और आप भी थोड़ा अपना ध्यान में हम पे दीजिए, और क्या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते आपको है, हमारी छत का व्यू देख लो कुछ इस प्रकार से, मिलते हैं आपको आगे से। सो फ्रेंड्स, अभी गैस वाले का फ़ोन आया कि वो मेरे यहाँ पे आ रखा है बगल में, और हमें जाना भी गैस का सिलेंडर उसे लेने के लिए, और खाली सिलेंडर उसे वापस करना भी होता है। तो ये हमारा सिलेंडर रखा हुआ है, देखो सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ, कूलर रख दिया उधर उन्होंने, कूलर रखा, कूलर को भी हटाना पड़ेगा। फिर जाके जब तक मिलता हूँ आपको, हम सिलेंडर लेके जा रहे हैं। देखो भाई बहुत भारी सिलेंडर है, सिलेंडर बहुत ही भारी है। उसे मैं अभी अपना घर बताऊंगा, वो सीधा मेरे घर पे ही देगा आकर, और अभी ने उसे घर में बताया था इसलिए उसे टाइम लगा, और फोन आ रहा है उसको मैं फोन करता हूँ पहले। तो भैया हमारा सिलेंडर ले आए, और इन्हें घर नहीं पता था, तो हमें ये घर पे छोड़ने के लिए आ रहे। तो भैया का हम धन्यवाद करते हैं, तो इसलिए इतना टाइम लग गया, वैसे मैं टाइम नहीं लगा सिलेंडर पहुँचाने में, क्योंकि ना घर नहीं पता, गलती हमारी भी थी, हमने ये घर नहीं बताया हुआ था। मिलते दोस्तों आपको हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जाएंगे पीर बाबा के वहाँ पे दरबार पे, वहाँ पर खाते के लिए। सो फाइनली गाइस हम आ गए, और हमारे पीछे आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, और सूरज आपको दिखाता हूँ, सूरज देखो बिल्कुल डाउन हो चुके सूरज, और पूरे यानी कि सनराइज सनसेट हो चुका है पूरी तरह से, आप देख सकते हो। और हम चलते जा रहे हैं, अभी हम पीर बाबा आपको दिखाएंगे, बस जा रहे हैं। आगे का व्यू दिखाता हूँ, कितना मस्त है, आगे का व्यू देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पूरा ये हाईवे है, जो कि ये देखो ये जो आगे पीर बाबा है हमारे, ये एक सच्चा दरबार माना जाता है। यहाँ से बड़े दूर दूर लोग आते हैं यहाँ पे अपनी इतनी श्रद्धा
श्रद्धा में, जो कि उनकी श्रद्धाएं पूरी होती है, उनके सारे काम बिगड़े करते, फिर आपके पास दोबारा मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो मजार है, मजार सच्चे मजार है, और यहाँ पे दूर दूर से लंबे आके अपनी मुरादें लेकर उनकी सब मुरादें पूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं धीरे बोलूँगा और पीछे आपको डिस्टर्ब ना हो, मैं जोर से नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे आप एक बार जरूर आए अपनी मुरादें लेकर, उनकी सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ये बाबा है जो कि बाबा यहाँ पे सबकी मुरादें पूरी करके आपको पीछे बेबाते हुए कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ऐसे दूर तक दूर दूर तक हमने भी अपनी मुरादें पूरी कर दी, तो हमने भी उनसे अल्लाह ताला से इनके जो हमारे जो है जो इंसान ने मुरादें मांगी हैं, और हमारा चैनल जो है किसका है, मैंने चैनल भी अपनी दुआ मांगी, घर परिवार के लिए मांगी है, क्योंकि अगर हमारे चैनल में सपोर्ट गाइस। फाइनली हम यहाँ से अब मंदिर में से हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं हम घर के लिए, बहुत टाइम हो गया है। वैसे यहाँ पे मान्यता बहुत अच्छी है, आओ अपने दर्शन करो, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे सच्चे बाबा रहते हैं और सबकी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण करते हैं। अपने आओ आओ माथा टेको और जाओ, ठीक है, सच्ची दरबार करेंगे। ये यहाँ पर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये कोटला गाँव में नहीं है, सॉरी ये रनौला गाँव की साइड में पड़ता है। विकास नगर का जो रोड जाता है ना, वहाँ पर 25 किलो की लोकेशन है, आप मेरे बगल में देख सकते हो, इसलिए ये सब पड़ेगा आपको मेरे आसपास देख सकते हो। और मैं क्योंकि यहाँ का जो पुल है, पुल आपको मिलेगा, तो पुल देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, ये डबल पुल का है, जो मतलब डबल पुल है जो मिलेगा आपको यहाँ पर, देखेंगे। किसी से पूछ लेना, हर अनजान व्यक्ति आपको यहाँ तक हाथ पकड़ कर, भाई हाथ पकड़ कर आपको यहाँ तक छोड़ के जाएगा। चलो भाई घर भी जाना है, घर पर चल के मिलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। सो गाइस, हम अपने घर के आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, और लिटरली गाइस हम अपनी वीडियो को साथ ही साथ एडिट करते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द ये वीडियो देखने को मिले। हम इसे कल तक कोशिश करेंगे, कल तक इस वीडियो को अपलोड करने की, और आप जल्द से जल्द देख सके। सो गाइस, हम इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हुए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी में और रोमांचक चीज़ें दिखाता रहूँ, मंदिर टेम्पल और दिल्ली की ऐसी चीज़ें आपको घुमाता रहूँ, जो कि आपको जब ना देखी हो, और मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ जैसे आप अपनी खुद की आंखों से देख रहे हो। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आपको हर वीडियो आपके समय पे मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।